दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि गुरु वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे वर्ष भर फल देने का काम करते हैं। यदि आपकी राशि से गुरु शुभ भाव में गोचर कर रहा है तो पूरे वर्ष भर आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे, और यदि आपकी राशि से गुरु अशुभ भाव में गोचर कर रहा है तो पूरे वर्ष भर आपको परेशानियां होंगी, आपके कामकाज नहीं बन पाएंगे, स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में रुकावट पैदा होगी। गुरु का राशि परिवर्तन विशेष इसलिए होता है क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि हम और आपको सबको विशेष रूप से जरूरत होती है। गुरु धन के कारक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, राजनीति के कारक है, स्वास्थ्य के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों के कारक गुरु माने जाते हैं। और गुरु यदि शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो पूरा वर्ष आपका बहुत ही शानदार बीतेगा। 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु अभी 22 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे थे, हंस नामक राजयोग, जो कि यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, विवाह का योग बनाता है, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहता है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम कर रहे थे। क्योंकि गुरु 22 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में मीन राशि में स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, तो सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, तो विवाह का भी योग बनाएंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने से गुरु आपको लाभ दे रहे थे और अप्रैल तक आपको लाभ देंगे भी, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं। गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर अच्छा करने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और कार्य के प्रति आपका लगाव भी बढ़िया होगा। गुरु की यदि नवम दृष्टि की बात करें तो आपके पराक्रम भाव में पड़ रही थी और अप्रैल तक पड़ने वाली है। पराक्रम भाव जो होता है वो बल पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, तो इनसे संबंधित भी लाभ देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, सप्तम भाव को मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में, मंगल की राशि में, मित्र के घर में अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ नुकसान के साथ साथ कुछ फायदा भी देने का काम करते हैं। अष्टम भाव जो होता है ये आयु का होता है, मृत्यु का होता है, व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, बड़ी बीमारियों का होता है और कहीं ना कहीं आध्यात्म का भी होता है, गुप्त धन का भी होता है। तो गुरु का गोचर अष्टम भाव में होगा तो यहां पर बहुत सारी व्याधियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, धन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, बैंक बैलेंस आपका बन नहीं पाएगा, ये सारे नुकसान होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं रहेंगी, पेट में आपको तकलीफ भी रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में होगी तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। आय तो होगी, आय इसलिए होगी क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, इसलिए धन भी देने का काम करेगी। जितना धन देंगे उससे ज्यादा खर्चा भी करवाने का काम करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गुरु की पंचम दृष्टि व्यय भाव में खर्चे करवाने का काम, देश विदेश की यात्राएं करवाने का काम भी करेंगे और धन भाव में सप्तम दृष्टि होने से धन देंगे, धन में बढ़ोतरी करने का काम, कुटुंब परिवार की स्थितियों को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। यदि इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव होता है सुख का, तो सुख भी देने का काम करेंगे। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, माता के सुख का, माता के स्वास्थ्य का, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे, ये आपको लाभ देने का काम करेंगे।
भूमि बॉन्ड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए कम संघर्ष करना पड़ेगा और सुख प्राप्त होगा। तो ये आपको लाभ देने का भी काम करेंगे, लेकिन खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। और जब ये सब चीजें आप खरीदेंगे तो खर्चे तो स्वाभाविक है बढ़ेंगे, तो बैंक बैलेंस आपका खाली हो सकता है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास लग्जरियस चीजें हो सकती है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वस्तुएं हो सकती हैं, तो इन चीजों में आपका धन खर्च हो सकता है। विशेष रूप से धन भी देने का काम करेंगे, गुप्त धन भी देंगे, आपकी शिक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे, संतान के लिए देखा जाए तो थोड़ा बाधा है और विवाह के लिए भी थोड़ी बाधाएं रहेंगी, विवाह आपका नहीं हो पाएगा 22 अप्रैल 2023 के बाद, क्योंकि आपकी राशि से गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए विवाह में समस्याएं आएंगी, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल 2023 के पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद कोई भी मुहूर्त नहीं है, आपकी राशि से गुरु अष्टम भाव में चलेंगे, आठवां गुरु लगेगा, इसलिए यह शुभ नहीं माना जाता है, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे देखा जाए तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सारी चीजों में लाभ भी देने का काम करेंगे और कुछ चीजों पर आपको ध्यान भी रखना होगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद।